अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सुभान अकेडमी। दोस्तों आज जो हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और एग्जांपल्स भी हम इसके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपके एंट्री टेस्ट मेडिकल हो या इंजीनियरिंग या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के सवालात अगर अपीयर होते हैं तो आप उनको बआसानी सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें और देखें कि किस तरह से हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर हर सेंटेंस के टाइप को डिस्कस करेंगे, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट नरेशन में होगा तो उसको इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर इम्परेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इन सारे सेंटेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, हम इसी वीडियो के अंदर इन चीज़ों को देखेंगे। ये थोड़ी सी वीडियो 20 मिनट से प्लस में होगी, मगर इसके अंदर आपके ये सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट नरेशन क्यों, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें जो है नरेशन या जो हम स्पीच कहते हैं उसका मतलब समझना पड़ेगा। तो दोस्तों स्पीच या नरेशन, हेयर बाय इट मींस द स्टेटमेंट ऑफ समवन एल्स दैट अ पर्सन सिंपली प्रेजेंस, यानी कि स्पीच या नरेशन का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर हमें कोई स्टेटमेंट बताता है तो हम उसे सिंपली जब प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको स्पीच या नरेशन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कोई भी पर्सन अगर हमें कोई स्टेटमेंट कहता है, कोई बात कहता है, हम फिर उसी बात को किसी तीसरे पर्सन को बताएंगे तो हम उसको स्पीच या नरेशन कहेंगे। ओके, तो देखिए हमें अगर कोई भी पर्सन कोई भी बात बता रहा है, हम उसकी बात बताई हुई बात को किसी दूसरे पर्सन को बताएंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। अब इसके अंदर क्या होता है, हम एग्जैक्ट वर्ड्स आर रिपोर्टेड, यानी कि हम एग्जैक्ट वर्ड्स को ही रिपोर्ट करते हैं। शार्लोट सेड आई सेल सी फूड हियर। तो दोस्तों यहाँ पे शार्लोट ने जो भी चीज़ है, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए, वही अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है ये गलती से लगाया है। तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। डेविड्स फ्रेंड सेड कैन यू स्पेयर मी योर बुक टुडे। डेविड के दोस्त कहते हैं, कि क्या मुझे आप अपना बुक आज उधार देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डेविड के फ्रेंड ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो अल्फाज आप देख सकते हैं कि वही एग्जैक्टली हमने कोट किए हैं जिनको हमने इन दो डबल कॉमा जो ऊपर से लगी हुई हैं, इनको हम इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स कहते हैं, इनमें कोट किया है, इनमें बंद किया है। इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है। एक तरीका ये है, यानी कि कोई भी पर्सन हमें कोई भी बात बताए, हम उसको अगर एग्जैक्ट अल्फाजों में बयान करेंगे तो हम उसको डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। और आगे देखते हैं दूसरा जो तरीका है हमारे पास, इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी पर्सन की कोई भी कही हुई बात होगी, स्टेटमेंट होगी, हम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे और अपने अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी पर्सन ने कोई बात हमें कही, या हम शार्लोट के और डेविड्स फ्रेंड के एग्जांपल को देखते हैं। शार्लोट सेड दैट शी सोल्ड सी फूड देयर। ओके, डेविड्स फ्रेंड आस्क्ड इफ ही कुड स्पेयर हिम हिज बुक दैट डे। अरे शार्लोट के सेंटेंस में हमने क्या चेंजेस किए हैं, हमने एक तो दैट लगाया है, ये जो कोटेशन मार्क्स मैंने आपको बताई इनको ख़त्म करके हमने दैट लगाया। प्रोनाउन आई को हमने शी में कन्वर्ट किया, सेल को हमने सोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, हेयर को हमने देयर में कन्वर्ट किया है। इस तरह से डेविड्स फ्रेंड के सेंटेंस में हमने सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट किया है, और इस तरह से
कोटेशन मार्क्स की जगह पर हमने इफ का इस्तेमाल किया है, और बड़ी बात ये कि हमने क्वेश्चन को कम्प्लीटली असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया, या हम कहें कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। फिर कैन को कुड में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने यू को ही में कन्वर्ट किया, इस तरह से मी को हिम में, यूअर को हिज में कन्वर्ट किया, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से ये मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। अब देखें, मॉडिफिकेशंस यानी कि चेंजेस, ठीक है, चेंजेस कौन कौन सी आएंगी और क्यों आएंगी। देखें, चेंजेस ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो सेकंड लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है। अगर हम कोई भी पर्सन हमें कोई भी बात बता रहा है, हम किसी और को बताएंगे, तो हम अगर बिल्कुल इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई नहीं करेंगे तो आप जो है इसके अंदर बहुत सारी गलतियां कर देंगे, और जो शायद हो सकता है जो उसकी कही हुई बात का सेंस है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मॉडिफिकेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना ज़रूरी है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, हम उसको देखेंगे। तो इन मॉडिफिकेशंस को देखने के लिए पहले इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं, यानी कि इसके पार्ट्स के नाम हमें पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम आगे इन पार्ट्स के नाम लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ये सेंटेंस पढ़ते जाएंगे। तो देखें, शार्लेट सेड, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आगे जो दूसरा पार्ट है, हम इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ड है यहाँ पे सेड, इस सेड को हम बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये पार्ट्स क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर चेंजेस होती हैं, मॉडिफिकेशंस यहाँ पे अप्लाई होती हैं, चेंजेस यहाँ पे अप्लाई होती हैं, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये नाम आपको याद होने चाहिए, आप पेपर एंड पेन उठा लें और इनको नोट करते जाएं, ओके, और जो रूल्स हम आगे पढ़ेंगे इनको भी नोट करते जाएं, क्योंकि हम इस वीडियो की लास्ट में एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और उनके अंदर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे क्वेश्चंस को इम्परेटिव को या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाए, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें और इनको नोट करते जाएँ आप लोग। तो दोस्तों, ये सेड को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरा ये जो कोटेशन मार्क्स मैंने आपको बताई, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर आप देख रहे हैं दो ये जो कॉमा उल्टी लगी हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कोटेशन मार्क्स कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इनको हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं। तो ये जो है चेंजेस यहाँ पे होंगी, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगी और रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस होंगी, कोटेशन मार्क्स में चेंजेस होंगी। तो सबसे पहला चेंज कौन सा है, रूल्स फॉर मॉडिफिकेशन में देखते हैं। जो सबसे पहला चेंज है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है इसको हम चेंज करेंगे, कौन से वर्ड्स में, जैसा कि टोल्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, इंक्वायर्ड है, क्वेश्चन्ड है, विश्ड है, एक्सक्लेम्ड विद है, सारो, जॉय, प्लेजर, एडमायरेशन, या फिर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में। अब ये किस तरह से चेंज होंगे, ये फिर से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि लास्ट में जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने कंजंक्शन, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से चेंज होंगे इन एग्जांपल्स को जो है डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, नंबर टू रूल है कोटेशन मार्क्स जो है, जैसा कि एक्स वाई जेड के ऊपर मैंने ये दो पंक्चुएशन मार्क्स लगाई हैं, इनको हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं। इनको क्या किया जाता है, ड्रॉप आउट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और इनकी जगह पर हम क्या करेंगे, कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। कोटेशन मार्क्स आर ड्रॉप्ड आउट एंड अ कंजंक्शन इज यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। अब कौन से कंजंक्शन लग सकते हैं, जैसा कि देट हो गया, वेदर, या इफ हो गया, या समटाइम्स नो कंजंक्शन। तो दोस्तों, ये देखें कंजंक्शंस भी किस तरह से इस्तेमाल होंगे, ये भी आगे हम एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंस आर चेंज्ड, अब प्रोनाउंस किस तरह से चेंज होंगे, देखें प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, ये देखें ब्रैकेट में मैंने लिख दिए हैं,
ठीक है, आप इनको देखते रहें वरना ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो फर्स्ट पर्सन जो है उसको हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड पर्सन को हम जो है फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करेंगे, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम सेम ही रहने देंगे। तो इस तरह से ये रूल है, हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ओके। और इनके एग्जाम्पल्स भी हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एग्जाम्पल्स की स्लाइड में। तो ये रूल्स हैं, मगर कभी कभी इस तरह से होता है, ये कम्प्लीटली इनडायरेक्ट नरेशन डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो सिचुएशन है उसके ऊपर और लॉजिक के ऊपर। तो ये जो भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो टेंस का रूल हो, चाहे फिर वो प्रोनाउंस का रूल हो, ठीक है, तो ये रूल अप्लाई नहीं करते। तो आपको लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट को समझना है, जो हम लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट को आगे एग्जांपल्स की एनालिसिस में, यानी कि पूरे इनडायरेक्ट नरेशन की एनालिसिस करेंगे एग्जांपल्स के अंदर वीडियो के आखिर में। तो आगे देखते हैं, नंबर 4, टेंसेस विल बी चेंज इनटू देयर कोरेस्पोंडिंग पास्ट। टेंसेस को हम क्या करेंगे, उनके पास्ट में ही कन्वर्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट टेंस को हम उनके पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस जो भी, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये नोट करते जाएं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, ओके। और इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों, अगर पास्ट सिंपल टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट में ही पड़ा हो, यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस हो, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हो, उसके अंदर अगर पास्ट टेंसेस होंगे तो फिर कैसे होंगे। तो देखते हैं, पास्ट सिंपल टेंस ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट किया जाएगा, और बाकी जो टेंसेज हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता। हम प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंसेज जो मैं आपको अभी मेंशन कर चुका हूँ, और इस तरह से पास्ट सिंपल टेंसेज, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, मॉडल वर्ब्स अगर डायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल होंगे तो मॉडल वर्ब्स को हम क्या करेंगे। मॉडल वर्ब्स के लिए हमारे पास जो रूल है वो ये है कि हम जो है कैन को कुड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मॉडल वर्ब्स के भी पास्ट होते हैं। तो हमने ऊपर लिखा है टेंसेस विल बी चेंज इनटू देयर कोरेस्पोंडिंग पास्ट, तो यहाँ पे ये जो टेंसेस हैं इनको हम इनके पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से मॉडल वर्ब्स को भी पास्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कैन को कुड में, मे को माइट में कन्वर्ट किया जाएगा, विल को वुड में, शल को शुड में, एटसेट्रा। और अगर पास्ट के मॉडल वर्ब्स डायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल होते हैं तो हम उनको फिर उन्हीं के पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि अगर कुड इस्तेमाल हो रहा है डायरेक्ट नरेशन में तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए हम कुड हैव लगाएंगे, ओके। यहाँ पे मैंने कुड हैव नहीं लिख पाया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप नोट कर लें, ओके। अगर वुड है तो हम उसको वुड हैव में कन्वर्ट करेंगे, अगर शुड है तो हम उसको शुड हैव में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों फिर फिफ्थ नंबर रूल है, ऐसे वर्ड्स जो क्या करें, नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन को जाहिर करेंगे, हम उनको ऐसे वर्ड्स में चेंज करेंगे जो डिस्टेंस को जाहिर करते हैं, यानी कि वर्ड्स शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजिशंस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। कौन से वर्ड्स हैं वो देखते हैं। देखें, हेयर को हम देयर में कन्वर्ट करेंगे। देखें, ये हेयर जो है पोजीशन को जाहिर कर रहा है, हम ऐसे इस वर्ड में ऐसा चेंज लाएंगे जो चेंज क्या करे, यहाँ पे जो है इसके इसमें डिस्टेंस को जाहिर करे, जैसा कि देयर हो गया। नाउ को हम देन में, टुडे को या टुनाइट को हम दैट डे या दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे, येस्टरडे को अ डे बिफोर, टुमारो को नेक्स्ट डे में, एटसेट्रा, इस तरह से चेंजेस होंगी। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस टाइप डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स में जो है किस तरह से चेंजेस होंगी। तो देखें दोस्तों, हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होती है, कंजंक्शन में चेंजेस होती है, यानी कि जो टेंस जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो सारे सेंटेंसेस के टाइप्स में होते हैं,
मगर टाइप अगर चेंज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगा और कंजंक्शन भी चेंज होगा, तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा अलग होगी। तो इनको थोड़ा सा मैंने एक इस तरह से मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में डिफाइन किया है, तो इसको आप थोड़ा सा देखें। एग्जांपल को देखते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले, इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड लगेगा और कंजंक्शन दैट लगेगा। तो फिर दूसरा उसका जो एग्जांपल है वो है फ्रेड सेड, फ्रेड कहता है कि आई वॉज ईटिंग पिज्ज़ा, तो फ्रेड कहता है आई वॉज ईटिंग पिज्ज़ा। हम क्या करेंगे, कौन से चेंजेस अब यहाँ पे आ रहे हैं देखें। सबसे पहले तो हमने इन्वर्टेड का जो सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब है, जो पहला रूल था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसको हमने टोल्ड में कन्वर्ट किया है और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है उसको टोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस का टाइप देखें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को दैट में और कंजंक्शन दैट, रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में एंड कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करेंगे। और फिर इस तरह से यहाँ पे देखें, हमने इन्वर्टेड कामास खत्म कर दिए और आई को ही में कन्वर्ट किया है। प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे वही हो रहा है। और इस तरह से हम जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम क्या कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी रूल मैंने आपको ऊपर बताया था। तो दोस्तों देखें ये चेंजेस क्या हो रही हैं, अकर हो रही हैं जो हमने चेंजेस ऊपर पढ़ी हैं। और ये देखें, ये अलग से जो मैंने चेंजेस हाईलाइट किए हैं ये सेंटेंस के टाइप के मुताबिक हैं, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ ये चेंज है, बाकी सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखते हैं बाकी सेंटेंस, जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब इसके अंदर देखें दोस्तों, अब इसमें क्या है, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, क्वेश्चन्ड में या इन्वेस्टिगेटेड में चेंज करेंगे। और जो दूसरी बात है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वो दो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सिलरी वर्ब से बनाया हुआ क्वेश्चन वर्ब, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब जैसा कि इज ए मार, ठीक है, डू डज, ठीक है, वॉज इन वर्ब, हैव हैज, या कैन कुड मे माइट, तो इस तरह से एक्सिलरी वर्ब या एक्सिलरी मॉडल्स जो होते हैं हम उनको जो है कलेक्टिवली एक्सिलरीज कहते हैं। तो इन अगर सेंटेंसेस में एक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं और क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कंजंक्शन वेदर या इफ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है डब्ल्यू एच वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसमें कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो कंजंक्शन, ये बात याद रखनी है आपको मिसाल के तौर पर, ठीक है। एक नोट है वो आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच जो क्वेश्चन फॉर्म में होगा, ओके, हम उसको डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे इस बात को देखें, कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मिसाल के तौर पर एंड रेस्ट रूल्स विल रिमेन सेम। मिसाल के तौर पर वहाँ पे सेंटेंस है आर यू गोइंग टू ज्वाइन मी, ये सेंटेंस है, इसको हमने क्या किया है यू आर गोइंग टू ज्वाइन मी में कन्वर्ट किया है पहले, ठीक है, बाकी रूल्स क्या हैं सेम है। तो फ्रेड सेड आर यू गोइंग टू ज्वाइन मी, क्या आप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं, फ्रेड ने कहा, तो फ्रेड आस्क्ड। अब देखिए क्वेश्चन है तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज किया है और हम देखें इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बाकी रूल्स क्या हैं सेम है, मगर ये नोट जो है हमने एडिशनल है, इसमें क्या हो रहा है हमने क्वेश्चन में क्या होता है एक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होते हैं, तो हमने एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये है हमने इसको असर्टिव में कन्वर्ट किया या डिक्लेरेटिव में। बाकी रूल्स क्या हैं सेम है, ठीक है, प्रोनाउन चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ, जो ऊपर रूल्स लिखे हैं उम्मीद है आपने लिखे होंगे तो उनके मुताबिक ही चेंज किए हैं, ओके, आप इनको देखें एनालाइज करें। फिर है फ्रेड सेड व्हाट आर यू डूइंग, अब देखें ये जो क्वेश्चन का टाइप है ये डब्ल्यू एच वर्ड से बना हुआ है तो इसके अंदर कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी देखें रूल सेम है, फ्रेड क्वेश्चन्ड व्हाट आई वाज डूइंग, बाकी रूल्स जो भी मैंने लिखे हैं वो सेम ही है। और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं आर को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, यानी कि यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं, टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। इंपरेटिव सेंटेंस
देखें इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कौन से लग रहे हैं? ऑर्डर्ड, कमांडेड, ओके, रिक्वेस्टेड, प्लीडेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ओके। अब देखें ये इतने सारे इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब हैं, क्वेश्चन में भी इतने सारे हैं, तो आपको देखें अगर इंपरेटिव इसमें तो क्वेश्चन में तो आप कोई भी लगाएं आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ये चीज नोट करनी है। देखें अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर है तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लिखेंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करेंगे या कमांडेड में कन्वर्ट करेंगे। और इस तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट है, प्लीज या काइंडली वर्ड जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर आप रिक्वेस्टेड करेंगे या प्लीडेड करेंगे, लिखेंगे उसको रिपोर्टिंग वर्ब को। अगर सजेशन है तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिखेंगे। इस तरह से आपको रिपोर्टिंग वर्ब में से यहाँ से कोई भी चूज करना है, सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखें कंजंक्शन इंपरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, वर्ब को इनफाइनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर ऑर्डर है कि गेट आउट तो हम क्या करेंगे, टू गेट आउट कर देंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल को, एवा सेड पास मी दी ईयरफोन्स प्लीज। अब देखें एवा रिक्वेस्टेड, प्लीज लगा हुआ है तो हम रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ये ऑर्डर होता, प्लीज नहीं लगा हुआ था, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, एवा ऑर्डर्ड टू, ठीक है, तो एवा रिक्वेस्टेड टू पास हर द ईयरफोन्स। बाकी रूल्स क्या है, सेम है, और इसके अंदर टेंस को हम पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है आपके लिए, मैंने पास्ट नहीं लिखा, ओके। तो एवा ऑर्डर टू पास हर द ईयरफोन्स। अब यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब ये और कंजंक्शन हमने कौन सा लगाया है, टू लगाया है, कंजंक्शन की जगह पर टू लगाया है और टेंस को पास्ट में कन्वर्ट नहीं किया। ये मैंने बात लिखी नहीं है, मगर आप इस स्ट्रक्चर से याद रख लें और लिख लें अभी कि इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस को पास्ट में कन्वर्ट नहीं बल्कि इन्फाइनेटिव लगाकर कन्वर्ट किया जाता है। और फिर है लास्ट हमारा सेंटेंस का टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विश्ड में या एक्सक्लेम्ड विद सारो या फिर जॉय, प्लेजर एटसेट्रा, इस तरह से, और कंजंक्शन दैट लगेगा। और फिर एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है जो आपको नोट करना है कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इंटू डिक्लेरेटिव एंड ड्रॉप आउट ऑल इंटरजेक्शंस। और हम क्या करेंगे, अगर कोई इंटरजेक्शन जैसा कि यहाँ पे वुड दैट के तौर, वुड दैट यहाँ पे इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, अल्लास, ओ, अफ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो हम उनको क्या करते थे, बाहर निकाल देते हैं और हम इस सेंटेंस को डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। बाकी रूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जो डिक्लेरेटिव, अगर डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट हो गया तो डिक्लेरेटिव के रूल्स रहेंगे। और कंजंक्शन भी आप देख रहे हैं दैट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि ही सेड वुड दैट आई वर्किंग, उसने कहा कि काश मैं बादशाह होता। ही एक्सक्लेम्ड विद अ विश, उसने एक ख्वाहिश करते हुए ये बात कही। दैट कंजंक्शन दैट लग रहा है, ही हैड बीन किंग। अब देखें वर्ब क्या है, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने क्या किया है, उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने उसी में इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है। और प्रोनाउन भी आप देख रहे हैं रूल्स के मुताबिक कन्वर्ट किए गए हैं। अब कब कभी प्रोनाउन के लिए रूल्स इस्तेमाल नहीं होते, तो इस चीज को मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो देखें कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड बी कॉन्शियस इन चेंजिंग द प्रोनाउन्स। Indirect narration is all about context and logic. To understand the logic of pronoun, ask three questions to yourselves. अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इन sentences को देखें और देखें कि indirect narration में pronoun किस तरह से change किए जाते हैं। इनमें इनको change करने के दौरान आपको बहुत ही मोहतात रहना है। Indirect narration में क्या होता है, देखें logic and context को समझा जाता है। अगर लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट को आप समझ गए तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी फिंगर टिप्स पे अप्लाई करेंगे। जहाँ पे नहीं होंगे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे नहीं होगा, तो फिर आप नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रोनाउन को आप क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोनाउन के रूल को समझना है। तो वो लॉजिक कौन सा है,
जिस लॉजिक की हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात कर रहे हैं, वो कौन सा है। तो टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोनाउन आज थ्री क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, तीन क्वेश्चंस खुद से पूछ लें। कौन से हैं? जैसा कि बाय हुम, टू हुम, फॉर हुम द स्टेटमेंट इज रिपोर्टेड, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर स्टेटमेंट है वो कौन कह रहा है, बाय हुम, किसको कह रहा है, टू हुम, फॉर हुम, और किसको कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। ठीक है, बाय हुम कौन कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच में जो बात है, और वो बात जो है किसको कही जा रही है, टू हुम, और वो बात जो है रिपोर्टेड स्पीच में किसके बारे में कही जा रही है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आपको ऊपर जो मैंने रूल्स बताए उसको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखें किस तरह से सेंटेंस टाइप, फिर एग्जाम्पल से। अब देखें सेंटेंस टाइप में डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसका सेंटेंस देखते हैं, एमा सेड आई एम अफ्रेड आई हैव सम प्रेसिंग बिजनेस टू अटेंड टू। ओके, तो क्या करेंगे, एमा टोल्ड दैट, ठीक है, सेड को हमने टोल्ड में कन्वर्ट किया है डिक्लेरेटिव में। ये अगर नहीं भी करते तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर करते हैं तो बेहतर है। ओके, एमा सेड, एमा टोल्ड, अब ये सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी सेड को सेड ही रहने दिया जाता है, तो बाकी सेंटेंसेस में कन्वर्ट होगा, ये याद रखें, ये रूल है। एमा टोल्ड, और कंजंक्शन हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर देट इस्तेमाल किया, आई को हमने शी में कन्वर्ट किया है। ओके, फिर इस तरह से एम को वाज में, पास्ट में कन्वर्ट किया है, फिर से आई को हमने शी में, फिर हैव को हैड में। ठीक है, बाकी रूल्स देखें सेम ही है। अब हम प्रोनाउन के लिए देखते हैं क्वेश्चन में। देखें क्वेश्चन में यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यू है, उसके लिए हमने ऊपर रूल्स ये लिखे थे कि हम क्या कर रहे हैं, यू को जो है सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे एमिलिया सेड, कैन यू स्पेयर मी योर बुक, एमिलिया कहती है कि इफ आई कुड स्पेयर हर माई बुक। अब देखें मी को हमने हर में कन्वर्ट किया, ठीक है, और यू को हमने किस में कन्वर्ट किया है, आई में, जो कि रूल्स के मुताबिक है जो हमने ऊपर लिखा था। मगर देखें अब सिचुएशन चेंज हो रही है, किस तरह से, या जो लॉजिक है वो चेंज हो रहा है। एमिलिया सेड, ठीक है, एमिलिया कहती है, एमिलिया सेड फ्रेड टू फ्रेड, एमिलिया फ्रेड को कहती है, हुम यू आर टॉकिंग टू। अब देखें यहाँ पर ये लॉजिक समझना है, ये जो बात कहने वाला है वो कौन है, बाय हुम, एमिलिया, टू हुम, कौन किसको कहा कह रहा है, ठीक है, एमिलिया कह रही है किसको, फ्रेड को, एमिलिया सेड टू हुम, फ्रेड, फॉर हुम द स्टेटमेंट इज रिपोर्टेड, किसके लिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच में बात कही जा रही है वो किसके लिए, ये जो एमिलिया ये बात कह रही है ये फ्रेड के लिए कह रही है, ठीक है, ये जो यू इस्तेमाल किया है उन्होंने फ्रेड के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब इस यू को आप आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अब इस यू को आप फ्रेड, जो कि हमारे लिए थर्ड पर्सन है जो कि मेल है, तो हम यू को ही में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही में कन्वर्ट किया है, तो कैसे हो रहा है, एमिलिया इंक्वायर्ड फ्रेड हुम ही वॉज टॉकिंग टू। ओके दोस्तों, इस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, बाकी रूल्स जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वही हैं। और अब देखें अगर एमिलिया यही बात किसी फीमेल को कहती, जैसा कि एलिया को कह रही है, एमिलिया सेड टू एलिया हुम यू आर टॉकिंग टू, अब यू को हम फिर से क्या करेंगे, शी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लॉजिक अब फिर से चेंज हो गया, कौन बात कह रहा है, एमिलिया, किसको कह रहा है, ठीक है, एलिया को, और ये बात जो कह रहा है एमिलिया, ठीक है, वो किसके बारे में है, वो एलिया के बारे में, फीमेल के बारे में है, तो इस फीमेल के लिए ही सारे प्रोनाउन इस्तेमाल हुए होंगे, ठीक है, या एमिलिया खुद के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल कर रही होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे एमिलिया जो है एलिया से पूछती है कि आप किससे बात कर रही हैं, तो ये जो यू है एलिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, एलिया फीमेल है, तो हमने यू को शी में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप देखें एमिलिया इंक्वायर्ड एलिया हुम शी इज टॉकिंग टू। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं इंपरेटिव में। एवा सेड पास मी द ईयरफोन्स प्लीज, तो मी को हम जो है हर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि एवा फीमेल है। एवा रिक्वेस्टेड टू पास हर द ईयरफोन्स, एवा सेड गो आउट
ऑफ माय रूम एवा ऑर्डर्ड टू गो आउट ऑफ हर रूम। तो ये सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, आप देखें इनको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखें यहाँ पे फिर से, डेविड सेड अल्लास वी लॉस्ट द मैच। अब अल्लास को हमने क्या किया है, ख़त्म किया है, इसको हमने असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट किया। फिर क्या किया है, सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक है, क्योंकि गम का इजहार है, और फिर देट लगाया है कंजंक्शन, और फिर बाकी रूल्स क्या है, सेम है, वी को दे में कन्वर्ट किया है, ओके ये दे है, और फिर जो है ये पास्ट टेंस है तो इसको हैड लॉस्ट में कन्वर्ट किया है पास्ट सिंपल टेंस को, ओके बाकी देख रहे हैं आप ये इस तरह से रूल्स हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो सुभान अकेडमी की जानिब से। तो दोस्तों थैंक्स टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। If you find this informative, like, share and subscribe for more. Thank you very much.